स्टूडेंट्स, सेल्फ प्रैक्टिस 3G तक कंप्लीट हो गया आपका सबका। जब आप कॉपी सबमिट करेंगे तो सेल्फ प्रैक्टिस 3G तक सबका कंप्लीट होगा वर्क, ठीक है। इसके आगे का भी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट सेल्फ प्रैक्टिस 3G तक सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज मैं इनकम्प्लीट लिख के दूंगी जब चेक करूंगी तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तक का वर्क सब लोग एकदम कंपलसरी है सबको कंप्लीट करना, ठीक। और अगर आज वाला भी हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नाउ ये जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंसेस, इसको कट कर दीजिए, ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा हेडिंग कट कर देंगे और इससे रिलेटेड जो सेल्फ प्रैक्टिस 3H है उसको भी कट कर देंगे, ठीक। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टेस्ट। क्वेश्चन 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स हैं, उनको हमें करना है, इसको हम बुक में ही करेंगे, ठीक है। जिन जिन क्वेश्चन के लिए बुक में हमें स्पेस मिला हुआ है हम बुक में करेंगे, और जो रह जाएंगे उनको केवल हम नोटबुक में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 and 8 16, 16 का 6 कैरी 1, 9 and 1 10, 10 and 3 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 and 2 7, 7 and 1 8, 7 and 1 8, ओके। पूरे चैप्टर में हम लोगों ने ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही किया है, इसलिए अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो कोई बात ही नहीं है, है ना। अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा ना। 9 and 4 13, 13 का 3 कैरी 1, 8 and 3 11, 11 and 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 and 6 14, 14 and 1 15, 15 का 5 कैरी 1, 9 and 1 10, 10 and 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 7 and 5 12, 12 and 1 13। नाउ 6 and 4 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 and 5 9, 9 and 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 and 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 and 1 6, 6 and 6 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 and 3 12, 12 and 1 13, 13 का 3 and carry 1, 4 and 1 5, 5 and 3 8, okay। Now subtraction, 0 minus 6 नहीं होगा, इधर से borrow करेंगे, ये 0 है तो ये इधर से borrow करेगा, ये 0 है तो ये इधर से borrow करेगा, तो इससे borrow करने के बाद ये रह जाएगा 6, ये बन जाएगा 10, ये इसको बोरो देगा तो ये बनेगा 10, ये रह जाएगा 9, और ये इसको बोरो देगा तो ये बन जाएगा 10 और ये रह जाएगा 9। नाउ 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 1 5 एंड 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 4 नहीं होगा तो इससे बोरो लेंगे, ये 0 है तो ये इससे बोरो लेगा, ये रह जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ये इसको बोरो देगा तो ये बनेगा 10 और ये रह जाएगा 9, ओके। नाउ 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 6 1, 3 माइनस 1 2 एंड 4, सॉरी ये तो एडिशन का सम है बेटा, ये एडिशन का सम है, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 7 7, 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 एंड 1 5 एंड 4 एंड 5 9, देन नाउ नेक्स्ट माइनस 5 माइनस 2 3, 0 माइनस 5 नहीं होगा, इधर से बोरो करेंगे, ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 5 5, 0 माइनस 3 नहीं होगा, इससे बोरो लेंगे, ये 0 है ये इससे बोरो लेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, अब ये इसको बोरो देगा तो ये बन जाएगा 10 और ये रह जाएगा 9, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 2 3 एंड 4 माइनस 2 2, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट डिजिट्स। इसमें क्या करना है, यहाँ पर पूरा सम किया हुआ है लेकिन उनमें से कुछ डिजिट्स
मिसिंग है उनको हमें फिल करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज द सम ऑफ एडिशन। अब यहाँ क्या है 8 और यहाँ लिखा है 6, तो 6 है तो यहाँ इसका मतलब 6 तो नहीं आएगा, किसी भी 8 में किसी भी नंबर को ऐड करने से 6 नहीं आएगा, तो ये क्या हो सकता है, ये 16 हो सकता है ना, 16 यहाँ लिख के और 1 यहाँ कैरी लगाया हुआ हो, ठीक। तो अब 8 में हम क्या ऐड करेंगे कि 16 आएगा, 16 में से 8 माइनस करो 8, ठीक है। तो 8 एंड 8 16 एंड कैरी 1। अब यहाँ क्या है 0, तो 8 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हो गया 9, 9 में क्या ऐड करेंगे हम कि 0 आए, 0 तो नहीं आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो 10 के लिए 0 हमने यहाँ लिखा है और 8 एंड 1 ये 9 हुआ है, तो 9 में हम क्या ऐड करेंगे कि 10 आएगा, 1, ठीक। 8 एंड 1 9, 9 एंड 1 10, 10 का 0 कैरी 1। अब फिर से सेम चीज़, 9 एंड 1 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 1 है, 1 की जगह क्या हो सकता है 11, है ना। तो 9 एंड 1 10 एंड 1 11, 11 का 1 यहाँ और कैरी यहाँ। अब कितना है यहाँ पर 7 लिखा है, 2 एंड 1 मिला के कितना हुआ 3, तो 7 में से 3 को हम माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पता चलेगा क्या नंबर होगा। 7 में से 3 माइनस किया तो 4। अब हम इसको ऐड भी करके देख सकते हैं, 4 एंड 1 5, 5 एंड 2 7, ठीक है। अब यहाँ है 3, तो 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा क्या आएगा 1, 2 एंड 1 3, ठीक है। तो इस तरह के जो सम्स होते हैं, चाहे वो एडिशन के हों सब्ट्रैक्शन के हों, उसमें हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों करके देखना पड़ता है, तब हमें मिसिंग डिजिट्स पता चल जाती हैं। सेकेंड है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का सम, ठीक। अब सोचो 3 में से हम क्या माइनस करें कि 1 आए, तो हम 3 में से 1 को माइनस कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, है ना। नाउ 5, 5 में से हम क्या माइनस करें कि 2 आएगा, 5 में से 2 को माइनस कर देते हैं तो 3 हो गया, ओके। अब यहाँ पे है 0, ठीक। 0 में से हम क्या माइनस करें कि 3 आए, इसका मतलब ये 0 में से माइनस नहीं कर रहे हैं, 0 इधर से बोरो ले रहा है और ये बोरो लेके 10 बन गया है। 10 में से हमने क्या माइनस किया कि 3 आएगा, 10 में से 3 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा 7, ओके। अब यहाँ अगर हमने इससे बोरो लिया था तो ये इसका मतलब 1 रह गया, ठीक है। अब 1 में से हम क्या माइनस करेंगे कि यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ 1 तो नहीं होगा, 1 में से 3 तो माइनस नहीं हो सकता, तो इधर से हमने बोरो लिया होगा, बोरो लिया होगा तो यहाँ 11 हो गया होगा। अब 11 में से क्या माइनस करें कि 3 आए, 11 में से 3 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सोचो यहाँ क्या रहा होगा कि हमने इसको बोरो दिया और यहाँ 5 आया है, 5 आया है, इट मीन्स 5 और 3 8 और 8 और हमने इसको एक बोरो दिया था तो यहाँ पर होगा 9, ठीक, और यहाँ 8 का 8। अब हमने ये डिजिट सही फाइंड आउट किए हैं कि नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके देख सकते हैं, 2 एंड 1 3, 3 एंड 2 5, 7 एंड 3 10, 10 का 0 कैरी 1, 8 एंड 3 11 एंड 1 12 का 2 कैरी 1, 5 एंड 3 8 एंड 1 9 और 8 का 8, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट द मिसिंग एडेंड्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। इसमें सिंपल हमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, जो प्रॉपर्टीज थी एडिशन की उनको ध्यान में रख के हमें इसको यहाँ का नंबर केवल फाइंड आउट करना है। तो इसमें 3 नंबर्स हैं और यहाँ पर ग्रुप्स बनाए हुए हैं, है ना, यहाँ पे ग्रुप बना है इधर और इधर अलग नंबर्स का ग्रुप बना है, इधर अलग नंबर्स का ग्रुप बना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जिसमें ग्रुपिंग की थी, ग्रुपिंग और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो थी, है ना, उसमें क्या था कि अगर 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो हम किन्हीं भी 2 नंबर्स को पहले ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ अगर इन दोनों नंबर्स को ग्रुप किया है, यानी ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ठीक। तो फर्स्ट की जगह फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, थर्ड की जगह थर्ड नंबर लिखा हुआ है, सेकंड की जगह हम सेकंड नंबर लिख देंगे 860, और जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो एसोसिएटिव या ग्रुपिंग, ग्रुप प्रॉपर्टी, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट है,
इसमें टू नंबर्स ऐड किए हुए थे। टू नंबर्स जब हम ऐड कर रहे थे तो क्या था कि नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें आंसर सेम रहता है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या था कि नंबर को हम किसी भी सीक्वेंस में ऐड करेंगे नंबर सेम आएगा, तो यहाँ पर जो नंबर पहले है वो यहाँ पर बाद में होगा, तो सेम नंबर इधर लिख देंगे। ठीक, तो हमें बिना सॉल्व करे हमें पता चल गया, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी याद थी कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 हम लोग नोटबुक में करेंगे, 7 और 8 को कट कर देंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने जो ये लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट हेडिंग हमने डिलीट किया है ये उसी के क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम नहीं करेंगे। ठीक, 9th क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन MCQ के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हमें इसको केवल सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखाना नहीं है। ठीक, तो हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उसका क्या मीनिंग है उसको समझ के उसमें क्या करना है उसको रफ में सॉल्व करेंगे और सही आंसर को यहाँ पर टिक करेंगे। 9th क्वेश्चन है, रेखा काउंटेड 35,785 पैक्ड बॉक्सेज ऑफ चिप्स एंड 62,158 बॉक्सेज ऑफ जूसेस इन द स्टोर हाउस, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज रेखा काउंटेड। क्या क्वेश्चन हुआ कि रेखा ने 35,785 पैक्ड बॉक्सेस चिप्स के काउंट किए हैं एंड 62,158 बॉक्सेस जूस के काउंट किए हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस रेखा काउंटेड। तो रेखा ने जितने बॉक्सेस को काउंट किया है उनका टोटल नंबर क्या है, तो क्या करना है इसमें, सिंपल जो दोनों बॉक्सेस के नंबर हैं उनको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग रफ में ऐड करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, फिर देखेंगे जो 4 आंसर्स दिए हुए हैं उनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। सिंपल यहाँ पर देखो मैंने लिख के रखा है 35,785 एंड 62,158, इसको ऐड कर लेते हैं, 8 and 5, 13, 13 का 3 carry 1, 8 and 1, 9, 9 and 5, 14, 14 का 4 carry 1, 7 and 1, 8, 8 and 1, 9, 5 and 2, 7, 6 and 3, 9, यानी 97,943। ये हमने रफ में फाइंड आउट कर लिया है, केवल करेक्ट आंसर को हमें यहाँ टिक करना है, 97,943। तो ये 97,000 ये डी पार्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगर वर्ड प्रॉब्लम MCQ वाले फॉर्म में आता है तो आपको सॉल्व करके उसको नहीं दिखाना है, केवल उसका आंसर फाइंड आउट करना है, वो हम रफ में करेंगे और जो सही आंसर होगा उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, सिटी ए हैज़ 5,62,000 इनहेबिटेंट्स एंड सिटी बी हैज़ 5,15,899 इनहेबिटेंट्स, विच सिटी हैज़ मोर इनहेबिटेंट्स एंड बाय हाउ मच। इट मीन्स क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, सिटी ए हैज़ 5,62,000 इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मीन्स उस जगह पर रहने वाले लोग, जैसे हम लोग रेणुकूट में रहते हैं तो हम लोग रेणुकूट के इनहेबिटेंट्स हैं। ठीक है, एंड सिटी बी हैज़ इतने इनहेबिटेंट्स, तो विच सिटी हैज़ मोर इनहेबिटेंट्स एंड बाय हाउ मच। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी सिटी में ज़्यादा इनहेबिटेंट्स हैं और कितने ज़्यादा हैं, तो ये तो हमें देख के ही मालूम चल रहा है कि कौन सी सिटी में ज़्यादा हैं, इधर 5,62,000 है, इधर 5,15,000 है, तो सिटी ए। ठीक, पहला आंसर तो हमें क्या मिल रहा है, सिटी ए। अब कितने ज़्यादा हैं इसके लिए क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा हैं, तो इसको भी हम लोग रफ में फाइंड आउट करेंगे और केवल सही आंसर को टिक करेंगे। इसको माइनस करते हैं, 0 माइनस 9 नहीं होगा, इधर से बोरो लेंगे, ये 0 है ये इससे बोरो लेगा, ये 0 है तो ये इससे बोरो लेगा, तो ये रह जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, ये इसको बोरो देगा तो 10 और ये रह जाएगा 9, और ये इसको बोरो देगा तो ये 10 और ये रह जाएगा 9, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1 एंड 1 माइनस 5 नहीं होगा, इससे बोरो लेंगे, ये रह जाएगा 5, ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 5 6 एंड 5 माइनस 1 4 एंड 5 माइनस 5
0। तो कितना ज़्यादा है, 46,101। अब हम देखते हैं इसमें आंसर हमारा, फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर, सिटी ए बाय 46,101। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको बुक में ही करने हैं, और कहीं भी इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में आएंगे तो उनको आपको केवल रफ में ही सॉल्व करना है। ठीक है।